السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله تعالى دي حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ طاہرہ مطہرہ اتے درود و سلام تو بعد
मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, एक मुकाम रब्बुल आलमीन दी पाक कलाम कुरान हकीम दे विचों तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनू तालिबे इल्म नू इस मुकाम ज़ीशान दा सही सही मफहूम बयान करने दी और सन सब नू सुन सुना के अमल पैरा होने दी तौफीक बख्शे। अज दे प्रोग्राम अहबाबे गिरामी दे इल्म अंदर है। भाई हाफिज मुहम्मद सलीम साहेब, उन्हां दे बेटे मुहम्मद शुएब सलीम दी शादी दे पुरमसरत मौका ते इनेकाद पजीर है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मजलिस नू साढ़े सब वास्ते खैर बरकत का बाइस बनाए और इस शादी नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर बरकत का बाइस बनाए और दो खानदाना दे और मियाँ बीवी दे आपस अंदर ताल्लुकात नू अपनी रहमत और अपनी खैर बरकत दे नाल खूब बाबरकत बनाए। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, मेरे भाई मोहम्मद शफीक अनवर साहेब उन्हां दे लखते जिगर हाफिज अनीक अनवर साहेब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां दी उम्र अंदर बरकत फरमाए और इन्हां नूं नज़रे बद तो महफूज रखे। बहुत दिल खुश हुंदा है अनीक अनवर दी गुफ्तगू सुन के, सोशल मीडिया ते इस दियां पोस्टां पढ़ के और दीगर साडे शागिर्द अतीकुर रहमान और दीगर बहुत सारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां तमाम बच्चों नू अपने दीन वास्ते कबूल फरमाए और इन्हां दियां मेहनतां इन्हां नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब बाबरकत बना के इन्हां दे वालिदैन और असाज़ा किराम वास्ते दुनिया आखरत अंदर बेहतरीन सदका जारिया बनाए। भाई अनीक बड़ी ही मुबालगा आराई दे नाल मेरा तारुफ करवा रहे सन, अल्लाह बच्चे दा हुसने जान कबूल फरमाए, वगरना मैं तालबे इलम मन आनम के मन दानम दा मिसदाक हाँ। जो गुफ्तगू हाफिज साहब ने फरमाई, अल्लाह करे कि असी इन तमाम चीज़ों के मिसदाक बन सकीए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू इखलास की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस के उत्ते तमाम जिंदगी अमल पैरा रहने की तौफीक बख्शे। प्रोग्राम का उनवान है मिसाली घराना। चूँकि प्रोग्राम शादी के मौके पर रखा गया है और उनवान भी मिसाली घराना मौके की मुनासबत नाल बहुत ही अच्छा है। मिसाली घर किवें तश्कील पा सकता है, किसे घराने नूं असीं मिसाली किवें कह सकने हैं? मेरे भाइयो, सब तो पहली बात तो यह आ कि घरां नूं मिसाली बनाउण वास्ते कुरान और हदीस तो रहनुमाई लेना बहुत जरूरी है। और सब तो ज्यादा
कार नूं कार बनावन दे अंदर दो लोगों का किरदार है, खामन दा और बीवी दा। घराने नूं कार नूं मिसाली बनावन अंदर ये दो अफराद कलीदी किरदार अदा करते हैं, खामन और बीवी। इन्हों तो बाद अगे सिलसिला चलता है, औलाद पैदा हुई, औलाद की अच्छी तरबियत की, ये मां बाप बन गए। मजीद अगे सिलसिला चलिया, ये खानदान घराना मजीद तरक्की करता करता दोते पोते और भी बहुत सारे रिश्ते इस घर के अंदर आए। लेकिन ये मिसाली कदों बनया, जदों मियाँ बीवी ने खुद अपने आप नूं कुरान नूं हदीस दे रंग अंदर रंगया और अपनी औलाद दी वैसी तरबियत फरमाई और औलाद ने फिर इन्हां वालिदैन समझदिया होया कुरान नूं हदीस दे मुताबिक अपने वालिदैन दी खिदमत गुजारी की और दीगर रिश्तियां दा एहतराम करते रहे। सब तो बड़ा किरदार मियाँ बीवी का है। एक घराने नूं तश्कील देन दे अंदर मियाँ और बीवी अगर ये दोवें मुखलिस हो के एक दूसरे के आदाब नूं मलहूज रखदे होया एक दूसरे की इज्जत और वकार नूं महफूज रखदे होया एक दूसरे नूं बर्दाश्त करदे होया एक दूसरे उत्ते एतिमाद और भरोसा करदे होया एक दूसरे नाल सच्ची मुहब्बत उल्फत और मुवद्दत दा रवैया रखदे होया और एक दूसरे दी अमानत नूं अमानत समझदे होया खयानत तो बचदे होया कमा हक्कुहू कुरान व हदीस तो रहनुमाई लैके अपनी इसलाह कर लैन तो फिर एक ऐसा मिसाली घराना मार्ज वजूद अंदर आंदा है कि जिस मिसाली घराने तो मिसाली खानदान बनता है और फिर उस मिसाली खानदान तो मिसाली मुआशरा तश्कील पाता है और उस मिसाली मुआशरे तो फिर एक शहर और एक मुल्क वजूद अंदर आंदा है। अरे भाइयो, मैं समझना कि साडे मुआशरे दे अंदर सब तो बड़ा बिगाड़ भी इन दोवां लोगों के अंदर पाया जाता है। आपस अंदर अंडरस्टैंडिंग ना होना, आपस अंदर एक दूसरे का एहतराम ना होना, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल ना करना, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि साडा खानदान तश्कील नहीं पा सकता। साडा घराना बनता जरूर है लेकिन बहुत जल्द टुट जाता है, बहुत जल्द ये खूबसूरत गुलदस्ता बिखर जाता है, बहुत जल्द इस खुशबूदार पंखड़ियाँ जमाने दी और हालात दी तपदी हुई तुपदी नज़र हो के बिल्कुल बसीदा होकर चढ़ जांदियां ने और नौबत इस तक पहुँचती है कि खानदाना दे खानदान तबाहो बर्बाद हो जाते हैं, नस्लों दियाँ नस्लां बर्बाद होकर रह जांदियां ने, मुआशरे बिगाड़ का शिकार हो जाया करते हैं और मुल्कां दी सलामती दाव ते लग जाया करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू अपनी सलाह दी तौफीक अता फरमाए। सूरा अल बाकरा दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, मैं खामद और बीवी चूंके इस तरह समझो कि चाबी ने मिसाली घराने दी खामद और बीवी इन्हां दे मुखसर जाए आदाब एक दूसरे के हकूक दी ख्याल रखना और एक दूसरे के आदाब का ख्याल रखना मुख्तसर जाए चंद पॉइंट बयान करके इजाजत चाहांगा, अल्लाह कबूल फरमाए। सूरा अल बाकरा आयत नंबर 228 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे अहमियत नूं बयान फरमाया है जिसका मैं खुलासा अहबाब दे गोश गुजार किया है। कायनात दे खालिको मालिको दाता ने ऐलान फरमाया وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اللہ رب العزت ارشاد فرما دے انہاں عورتاں دے بھی مرداں اُتے اوویں ہی حق نے جویں انہاں مرداں دے انہاں عورتاں دے اُتے دستور دے مطابق حق نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اللہ فرما دے مرداں نوں عورتاں اُتے ایک درجہ دی فوقیت دیتی گئی اے میرے پیارے بھائیو اے حقوق دی پاسداری نہیں کیتی جا رہی خامد اپنی بیوی دے حقوق دے خیال کرن دے اندر کمی دا شکار ہے بیوی اپنے خامد دے حقوق اور آداب تو نہ بلدے نہ واقف ہے خامد بیوی دی عزت و تکریم کما حقوق نہیں کردا اور بیوی اپنے خامد دی تکریم اور تعظیم نہیں کردی اللہ اکبر خامد اپنی بیوی نو اپنے پیر دی جتی سمجھ دے بیوی اپنے خامد نو بھی دو ٹکے دا آدمی سمجھ کے اس دی کسے بات کوئی اہمیت اور ترجیح نہیں دین دی اے میرے پیارے بھائیو جدو انہ دو اندر بگاڑ پیدا ہو گیا قرآن تے اے ہو کہہ رہے ہیں جویں خامد دے بیوی اتے حق نے ایمیں بیوی دے خامد اتے بھی حق نے جدو انہ دو ماں ایک دوسرے دے حقوق دی پاسداری نہیں کیتی انہ دو ماں نے ایک دوسرے دے حقوق دا خیال نہیں رکھیا ایک دوسرے دا احترام نہیں کیتا ایک دوسرے دے ادب دے تقاضیاں نوں پورا نہیں کیتا ایک دوسرے دی شخصیت نوں مزید نکھارنے دی کوشش نہیں کیتی میرے پیارے بھائیو پھر ایسا بگاڑ پیدا ہوندے قیمتی گھرانہ بگاڑ دا شکار ہو جاندے گھر مثالی نہیں بنیا کر دے بلکہ گھران دے اندر اللہ اکبر بگاڑ آ جایا کر دا گھران دے اندر فساد بپا ہو جایا کر دے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت طیبہ دی تفسیر و توضیح اپنی پیاری زبان نبوت وچوں بیان فرمائی سنن نسائی اٹھا کے دیکھنا اللہ اکبر سنن الکبریٰ امام نسائی دی کتاب ہے کتاب النکاح دا حدیث نمبر 9169 پڑھ کے دیکھنا جامع ترمذی کتاب الرضاعی حدیث نمبر 1163 ہے اور سنن ابن ماجہ کتاب النکاح دی حدیث نمبر 1851 پڑھ کے دیکھ لینا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی قیمتی بات بیان فرمائی الا اللہ دے نبی نے فرمایا خبردار خبردار توجہ نال سننا اللہ دے نبی فرما رہے خبردار ان لکم علی نسائکم حقا اللہ دے نبی فرما رہے مردو خبردار تواڈے تواڈیاں بیویاں اتے حق نے والی نسائکم علیکم حقا اور تواڈیاں بیویاں دے بھی تواڈے اتے حق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت طیبہ دی توضیح اپنے پیارے فرمان نال بیان فرمائی جویں خامد دے بیوی اتے حق نے ایویں بیوی دے خامد اتے بھی حق نے اے میرے پیارے بھائی انہاں حقوق دے وچوں کچھ حقوق میاں بیوی دے مشترکہ کچھ حقوق علیحدہ علیحدہ خاندان مثالی کیویں بن سکدے گھرانہ مثالی کیویں بن سکدے رہنما اصولاں دے وچوں پہلا اصول سماعت فرما لینا پہلے میں دسے کہ سب تو بڑی رہنمائی قرآن و حدیث تو ملے گی اللہ اکبر خامد اور بیوی ایک دوسرے دے امین ہندے نے امانتدار ہندے نے اگر کوئی چاند ہے ساڑا معاشرہ ساڑا گھرانہ مثالی باکردار بن جائے ساڑے گھرانے دیاں ساڑے گھر دیاں ساڑے خاندان دیاں لوگ مثالاں پیش کرن تے پھر میرے پیارے بھائیو پہلا اصول ذہن وچ رکھ لینا میاں اور بیوی ایک دوسرے دے امانتدار ہویا کر دے ایک دوسرے دے امین ہویا کر دے کوئی کسے نال خیانت نہ کرے معمولی جی چیز اندر بھی خیانت دا ارتکاب نہ کرے اگر خامد نے اپنی بیوی دی کوئی خیانت کیتی بیوی دے راز دی گل کسے نوں بتا دیتی بیوی نال گزرے تنہائی دے
लम्हात किसी के सामने बयान कर दिते। अगर बीवी ने अल्लाहु अकबर खामद नाल गुजरे तनहाई के लम्हात अपनियां सहेलियां अंदर बयान कर दिते, खामद दियां कमियां ते खामियां अपने खानदान अंदर अपनियां सहेलियां बहन भाइयां अगे बयान करनियां शुरू कर दितियां, अमानत अंदर खयानत शुरू कर दी, खामद दे माल नूं उसकी इजाजत तो बगैर सर्व करना शुरू कर दिता, खामद दी मसनत ते खामद दे बिस्तर ते उसकी इजाजत तो बगैर खामद दी खास कुर्सी ते खामद दे खास बिस्तर और खामद दी खास मसनत दे उत्ते अल्लाहु अकबर किसी नूं बगैर खामद दी इजाजत ते बैठने की इजाजत दे दी, खामद दे घर अंदर किसी नूं खामद दी नापसंदीदगी दे बावजूद आने की इजाजत दी। ऐसी औरत अपने खामद दे नाल खयानत दा इरतिकाब कर रही है। भाइयो जिते खयानत होवे उत्थे अल्लाह दी रहमत और बरकत नहीं आया करदी, उत्थे घराना टुटते सकदा मिसाली नहीं बन सकदा, उत्थे खानदान बिगड़ते सकदा मिसाली नहीं बन सकदा। अल्लाहु अकबर। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी हदीस समाअत फरमा लेना, सही मुस्लिम किताब उन निकाह है, हदीस नंबर 3543 है। अन अबी सईद अल खुदरी يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کرنا ذرا، ان من اعظم الامانۃ عند اللہ يوم القيامۃ الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها۔ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार अंदर अल्लाह दे हाँ क़यामत वाले दिन सब तो बड़ी बददियानती और सब तो बड़ी खयानत होएगी। खामद और बीवी तनहाई अंदर दोवें बैठे, खामद ने अपनी बीवी दियां राज दियां बातां अपने दोस्त अंदर बयान कर दितियां, बीवी ने अपने खामद नाल गुजरे तनहाई दे लम्हात अपनी सहेलियां अंदर बयान कर दिते। दोवें मियाँ बीवी बहुत बड़े खाइन ने, साडे मुआशरे दे अंदर बुनियादी खयानत उत्ते रखी जांदी है, बुनियादी खयानत उत्ते मबनी होवे, घराने मिसाली नहीं बनिया करदे, खानदान मिसाली नहीं बन सकते, मुआशरे भी मिसाली नहीं बन सकते, मुल्कां दे मुल्क मिसाली नहीं बनिया करते। अल्लाहु अकबर। मियाँ और बीवी का कलीदी किरदार एक घराना बनावन अंदर सब तो पहलो घराना बनिया कर दे, घराने तो खानदान बन दे, खानदान तो मुआशरा बन दे, मुआशरे तो फिर शहर और मुल्क आबाद होया कर दे। अल्लाहु अकबर। इस बिगाड़ नूं दूर करना पेगा, कोई मेरी बहन अपने खामद तनहाई दियां बातां अगे ना बयान करे, कोई मेरा भाई अपनी बीवी दे उयूब अपनी बीवी दियां खामियां अपनी बीवी नाल तनहाई दे अंदर गुजरे लम्हात अगे दोस्त अंदर बयान ना करे। अगली बात समाद फरमा लेना जरा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत नूं अपने खामन दी इजाजत तो बगैर खामन दा माल अगे खर्च करन तो मना फरमा दिते। जामे तिरमजी किताब ज़कात हदीस नंबर 670 पढ़ के देखना। عن ابي امامه الباهلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے،
कोई औरत अपने खावन दे घर दे विचों कोई भी चीज़ अपने खावन दी इजाजत तो बगैर खर्च ना करे, अपने खावन दी इजाजत तो बगैर किसे नू ना देवे। इत्थे की हो रहा, कमाई खावन दी विचों बचत कीती है, पैसे खावन दे दिते जमा कीते। अल्लाहु अकबर, ये सूट अम्मी जान ने दिते, ये फलां चीज़ भाई जान ने भेजी है, फलां चीज़ मेरी फलां बहन ने भेजी है। पैसे खावन दी कमाई दे सेहरा दूसरों के सिर बन पई है। अगर मेरी बहन अंदर ऐसी आदत मौजूद है, पहली फुर्सत अंदर तौबा करे, ऐसा करना खावन दे नाल बद्दियानती है, खावन दे माल अंदर खयानत है। अल्लाहु अकबर। अगली बात समाद फरमा लेना, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अगली हदीस जामे तिर्मिज़ी किताबुर रज़ा दी हदीस नंबर 1163 पढ़ के देखना, सही मुस्लिम किताबुल हज दी हदीस नंबर 2950 पढ़ के देखना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खावंद दी मसनद, खावंद दा घर, खावंद दी कुर्सी, खावंद दा बिस्तर, उस उत्ते किसे नू बगैर इजाजत दे बैठन दी इजाजत नहीं दिती। कोई बीवी कोई औरत अपने खावंद दी इजाजत तो बगैर अपने खावंद दे बिस्तर ते किसे नू बैठने दी इजाजत ना देवे, भावें उसका बाप क्यों ना हो, उसका भाई और बेटा ही क्यों ना हो। खावन की ना पसंदीदगी देखद्या होया, खावन की पसंदीदा मसनद के उत्ते किसी भी बैठने की इजाजत ना देवे। अगर खावन पसंद करता है फिर और बात है। अल्लाहु अकबर। हदीस का मतन समाद फरमा लेना, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फहक्कुकुम अलैहिन, ऐ मेरे प्यारे भाइयो, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्हां मर्दां दे इन्हां बीवियां दे विच ए वी हक ने, बीवियां उत्ते ए वी हक ने, युती न फुरुशकुम मन तकरहून تأذن في بيوتكم لمن تكرهون। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बीबी कोई औरत अपने खावन की मसनद उत्ते अपने खावन के बिस्तर के उत्ते किसी नूं बैठन की इजाजत ना देवे। कोई बीबी अपने खावन के घर के अंदर उसकी ना पसंदीदा शख्सियत नूं आवन की इजाजत ना देवे। जिसके बारे बीवी नूं पता है मेरे घर में आना खावन इसका पसंद नहीं करता, मेरे खावन नूं अच्छा नहीं लगता कि फलां बीबी मेरे घर अंदर आए, फलां मर्द मेरे घर अंदर आए, फलां मेरे घर के अंदर दाखिल होवे, फलां मेरे बिस्तर उत्ते मेरी कुर्सी और मेरी मसनद उत्ते कोई बैठे। अल्लाहु अकबर। खावंद अच्छा नहीं समझदा ते बीवी उत्ते बात जरूरी है, अपने खावंद दी ख्वाहिश दा एहतराम करे। अगर ना करेगी खामद नाल बद्दियानती और ख्यानत दा इरतिकाब करेगी। अल्लाहु अकबर। ये मेरा मूँह बोलिया भाई है, ये मेरे मामू दा बेटा है, ये मेरे चाचू दा बेटा है, असा उमरा कट्ठियां कीता सी उत्थे मेरा भरा बनिया सी, असा उमरा और हज कट्ठी पड़ी सी उत्थे मेरा ये चाचू ते मेरा मामू बन गया सी। ना ना मेरे भाईओ, असी उमरा कीता सी उत्थे मेरी बहन बनी सी, मूँह मोली बहन बन गई, मूँह बोलिया भाई बन गया। अल्लाह दे नबी इजाजत नहीं देंदे अपने खावन दे घर अंदर उसकी इजाजत तो बगैर किसी नूं दाखिल ना होन दे। पहला उसूल अमानतदारी, खावन अपने बीवी दे बारे अमीन होना चाहिए, बीवी अपने खावन दे बारे अमानतदार होनी चाहिए है। अगर बीवी अपने खावन दे बच्चों की तरबीयत अंदर अल्लाहु अकबर पूरी मेहनत और जौक शौक का मुजाहरा नहीं करती, बच्चे बिगड़ जाते तो बीवी खावन नाल ख्यानत दा इरतिकाब कर रही है। बच्चों की अच्छी तालीम और तरबीयत अंदर बीवी बराबर की कोशिश नहीं करती, ऐसी बीवी अपने खावन नाल ख्यानत दा इरतिकाब कर रही है। अगर खावन अपने बीवी दे बारे अल्लाहु अकबर अपनी बीवी दियाँ जरूरियात और सहूलियात उसनू मुहैया नहीं करता,
अपने बच्चों के अखराजात अपनी बीवी नू नहीं पहुँचाता। ऐसा खावंद अपनी बीवी दे नाल खयानत इरतिकाब कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयो, जिथे बुनियाद खयानत रखी जाए, मिसाली घर वजूद अंदर नहीं आया कर दे। दूसरी बात, खामद और बीवी एक दूसरे नाल मुहब्बत करन, एक दूसरे नाल रहम वाला जज्बा रखन, एक दूसरे नाल मुहब्बत और प्यार वाले जज्बात दे नाल पेश आवन, ताकि सायते तय्यबा दे मिस्ताक बन जान। सूरा रूम दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अन्फुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरा रूम अंदर फरमा रहे, तवज्जो फरमाना, तर्जमा समाप्त कर लेना, ये भी अल्लाह दियां निशानियां कि अल्लाह ने तुहाडे विच्चों तुहाडियां बीवियां नूं पैदा फरमाया है। अल्लाहु अकबर, तुहाडियां बीवियां पैदा क्यों कीतियां? ताकि तुसी अपनियां बीवियां तो सुकून हासिल करो, अपनियां बीवियां तो सुकून हासिल करो। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी दे दरम्यान मुहब्बत और मुवद्दत नूं पैदा फरमा दिता है। इस आयत तय्यबा ने सानूं इह पैगाम दिता, अगर मिसाली घराना बनाना चाहते हो, खामद और बीवी एक दूसरे नाल मुहब्बत वाला रवैया रखन, एक दूसरे का पूरा एहतराम करन, एक दूसरे की ख्वाहिशात का पूरा पूरा ख्याल रखन, एक दूसरे के जज्बात का पूरा पूरा ख्याल करन। अल्लाहु अकबर, एक दूसरे नाल मुहब्बत और रहमत का जज्बा रखन। कैसी रहमत और कैसा जज्बा, कैसी मुहब्बत और कैसी शफकत है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी दी मुहब्बत नूं बढ़ावन दे नुस्खे बयान फरमाए। अल्लाहु अकबर, सुनो नबी दा वूद किताब उत तवो पढ़ के देख लेना, हदीस नंबर 1308 है, हदीस नंबर 1450 है। सुनो निसाई किताब क्या मिल लैल दी, हदीस नंबर 1610 है। इब्ने माजा किताब इकामत सलात दी, हदीस नंबर 1336 पढ़ के देख लेना। मुस्तदरक हाकिम मिन किताब सलात इत तवो जिल्द एक सफा 453 दी, हदीस नंबर 1164 पढ़ के देख लेना। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमांदे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और कितनी कीमती और प्यारी बात बयान फरमाई। रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल फ़सल्ला وأيقظ امراة فإن أبت نضح في وجهها الماء। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी दी मुहब्बत पैदा करने दा नुस्खा बयान फरमाया। आपने फरमाया, उस खामद उत्ते अल्लाह रहमत नाजल फरमाए जेड़ा सुबह तहज्जुद दे वक्त उठ दे, दो रकतां नमाज पढ़ दे, अपनी बीवी नू जगां दे, ए अल्लाह वाली उठ, नमाज दा वक्त हो गया, बीवी नहीं उठ रही, हाथ विच पानी दा जग ते गिलास पकड़ लैंदे, बड़ी मुहब्बत नाल बीवी दे मुँह ते पानी दे छींटे मार देंदे। अल्लाहु अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे खामद उते अल्लाह अपनी रहमत नाजल फरमाए। अगे सुनना जरा, व रहिमल्लाहु इमरातन क़ामत मिनल लैल फ़सल्लत, अल्लाह ताला उस औरत उते भी रहमत नाजल फरमाए जेड़ी रात नू बेदार हुई, उसने नमाज तहज्जुद अदा कीती। व आई قَزَتْ زَوْجَهَا اپنے خامد نو جگان دی پئی فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءُ
खावद नू कहंदी मेरे सिर दे ताज ओ मेरे खावद उठो नमाज़े तहज्जुद दा वक्त हो गया अजाने फजर करीब है उठो ना दो चार रकतां पढ़ के अल्लाह कोलों दुआ मंग लवो अपने खावद नू बेदार कर दी खावद उठदा नहीं पिया इधर पासे मार दे इधर पासे मार दे मुहब्बत नाल पानी दा कटोरा पकड़ के मुँह ते छिट्टे मार के खावद नू जगा देंदी है। मेरे नबी ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इस बीबी उत्ते रहम फरमाए इस जोड़े उत्ते रहम फरमाए मिसाली घराना बनाना चाहते हो फिर रब दी रहमत दा शामले हाल होना बड़ा जरूरी है। घर के अंदर दुनिया जहान दियां सहूलतां रख लवो LCDियां LDA रख लवो अल्लाह अकबर तरह तरह दियां कीमती जरूरियात दियां चीज़ां रख लवो कोठियां ते बंगले ते कारां बना लवो अपनियां बीवियां नूं जुमला सहूलियात दे देवो नमाज रोजे दी पाबंदी घर अंदर मौजूद नहीं तिलावत जिक्र अज़कार दी दुआओं मनाजात दी आदत मौजूद नहीं घर अंदर शैतान चलता रहेगा कदे घराना मिसाली नहीं बनेगा कदे घराना मिसाली नहीं बनेगा। मिसाली घराना उदो वजूद अंदर आंदे जदों बीवी और खावंद दोवें शब जिंदादार होवन अल्लाह अकबर इना जोड़े उते खावंद बीवी दोवां उते रब दी रहमत दा नजूल होवे ते रब दी रहमत दी बरकत नाल घर मिसाली बन जाया कर दे। दूसरा नुस्खा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया सुनो नबी दाऊद किताब तवो हदीस नंबर 1300 हदीस नंबर 1309 और 1451 ने सुनन इब्ने माजा किताब इकामत सलाह है हदीस नंबर अपने दिलो दिमाग उत्ते नक्श कर दे जाना अल्लाहु अकबर 1335 है अल्लाहु अकबर और जना मुस्तदरक हाकिम किताब तफसीर पढ़ के देख लेना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है आली शान जिल्द 2 दा सफा नंबर 452 ने हदीस नंबर 6551 आई है अल्लाहु अकबर। अन अबी सईद अल-खुदरी व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نبی دے دوویں پیارے صحابی بیان فرماندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ایقظ الرجل امرأته من الليل فصلي ركعتين كانت تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़े खावंद और बीवी जेड़ा खावंद अपनी बीवी नू रात नू बेदार कर दे अपनी बीवी नू रात नू जगा दे ये दोवें मियाँ बीवी उठ के दो रकतां नमाज पढ़ दे किनियां दो रकतां नमाज पढ़ दे अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना पढ़ियाँ दो रकतां पढ़ियाँ दो रकतां मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हां दा नाम उन्हां खुशनसीबां अंदर लिख दिता जांदा है जिहड़े सब तो ज़्यादा जिक्र करने वाले अल्लाह दा सब तो ज़्यादा जिक्र करने वाले मर्द औरत ने उन्हां दे अंदर इन्हां दा नाम लिख दिता जांदा है। अल्लाहु अकबर मुहब्बत और रहम दा जज्बा होना चाहिए नाल याद रख लेना अगर बीवी अंदर रहम मौजूद ना होवे खावंद अंदर रहम मौजूद ना होवे मिसाली घराना वजूद अंदर नहीं आ सकता मिसाली घर तश्कील नहीं पा सकता। सही बुखारी किताबुल अदब है हदीस नंबर 5997 पढ़ के देख लेना और हदीस नंबर 6013 है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया मल्ला यरहम ला युरहम जेड़ा किसे दूसरे उत्ते रहम नहीं करदा उस उत्ते भी रहम नहीं कीता जांदा।
जड़ा को दूसरे उत्ते रहम नहीं करता उनके उत्ते भी रहम नहीं किया जाता। अल्लाहु अकबर। मिसाली घराना बनाने का दूसरा उसूल मैं पेश किया कि मियाँ बीवी आपस अंदर मुहब्बत और रहम वाला जज्बा रखन, एक दूसरे नाल मुहब्बत दे जज्बात रखन, क्योंकि मियाँ बीवी मिसाली घराने की चाबी ने, ये मिसाली घराने की चाबी ने। अगर चाबी दुरुस्त होएगी मिसाली घराने का ताला सही तरीके से खुल जाएगा। अल्लाह साढ़े मुआशरे के मर्द औरतों की सलाह फरमा दे। तीसरा उसूल, मियाँ और बीवी, खावंद बीवी एक दूसरे उत्ते एतमाद करन, एक दूसरे उत्ते कुली भरोसा करन। जिंदगी दे हर मोड़ अंदर कोई किसी उत्ते शक ना करे, कोई किसी नू शक दी निगाह नाल ना देखे। तू जदों माँ दे गोडे तो उठ के आना है उदों मैनू आने कढ़ने शुरू कर देना है, जदों तू पेक्यां तो चक्कर ला आनी है उदों तेरा रवैया ही मेरे नाल बड़ा गलत हो जांदा है। तेरियां पैना आईया सन तेरा रवैया खराब करके चलिया गई, तू जदों दी पेक्यां तो आई है उदों दे तेरे अल्लाहु अकबर हालात बड़े खराब हो गए, उदों तू मेरे नाल बदजुबानी करनी शुरू कर देंदी। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई तेरी मुहब्बत अंदर बहन भाई कौम कबीला दोस्त अहबाब सहेलियाँ सब कुछ तेरी बीवी छोड़ के आई है। अल्लाहु अकबर। अपनी मां नू मिलन जाए ते फराख दिली दा मुजाहरा करया कर, बाप नू मिलन जाए फराख दिली दा मुजाहरा करया कर, अपने भैन भाइयों को जाए फराख दिली दा मुजाहरा करया कर, शक वालिया नजरां नाल ना देखया कर। ऐ मेरी बहन, तेरी सस ने अपने बेटे नू जन्म दिता है, बड़ी मुश्किल दे नाल बेटे नू पाल पोस के जवान किया है, बड़ियां उम्मीदां ते उमंगां ते चाहतां ते ख्वाहिशां दे नाल बड़ा सरमाया खर्च करके तेनू व्याह के ले आई, तेनू अपनी बेटी बना के लेके आई है। अल्लाहु अकबर। अज खामद अपनी मां नू किवें तरक कर सकदे, अपनी मां नू किवें छड़ सकदे। अल्लाहु अकबर। बल्कि खुद क्या कर, अम्मी जान दी खिदमत गुजारी करो, अम्मी जान नू जाके मिलो। अल्लाहु अकबर। ए ना क्या कर, जदों तू मां कोल उठाने उदों मेरे नाल लड़ना शुरू कर देना है। तो जो कर ले मेरी बहन, कल नू तू भी किसी दी मां बनेगी। अगर तू मिसाली घराना बनाना चाहती फिर तेनू रिश्तों का एहतराम करना पेगा, खानदान के लोगों का एहतराम करना पेगा, खावन दे खानदान का एहतराम करना पेगा। ओ खामद जी, अगर तू भी अपने घर नू मिसाली बनाना चाहना है अपने रिश्तों का एहतराम करना पेगा, बीवी दे तमाम रिश्तों की कदरों मंजिलत नू पहचानना पेगा, बीवी की इज्जत और एहतराम नू जानना पेगा, एक दूसरे उत्ते इतिमाद करना पेगा, एक दूसरे उत्ते भरोसा करने की जरूरत है। अल्लाहु अकबर। कोई किसे उत्ते शक ना करे, कोई किसे उत्ते शक दी निगाह ना डाले। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी हदीस है, सही मुस्लिम किताबुल बिर व सिला उठा के देखना, हदीस नंबर 6536 है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث। लोगो बदगुमानी तो बचो, शकूको शुबहात तो बचो, बदगुमानी सब तो बड़ा झूठ है। ऐ मेरी बहन, फराख दिली दा मुजाहरा करया कर, अपने खामद उत्ते एवें ही ना शक दी निगाह डालया कर। मेरे भाई अपनी बीवी दे उत्ते एवें ही शक दियां नजरां ना पाया कर। अगर चाहना है घर मिसाली बन जाए फिर शको शुबे दी फिजा खत्म करके बाहमी एतिमाद और भरोसे दी फिजा कायम करनी पेगी। याद रख लेना, शक दा नाग जिस दवाजी जिंदगी अंदर आके अपना जहर कोल देवे, शक दी नागन जिस मियां बीवी दी मुहब्बत नू डंग देवे, ओ घराना टुट सकदा मिसाली नहीं बन सकदा, ओ घराना कदे भी मिसाली नहीं बनेगा, बर्बाद हो जाएगा, उजड़ जाएगा। खानदान एक दूसरे नू बुलावन तो बोलन तो मिलन वर्तन तो जानगे मिसाली नहीं बनेगा। तीसरा उसूल, मियाँ बीवी एक दूसरे उत्ते इतिमाद करन, एक दूसरे उत्ते भरोसा करन,
एक दूसरे की पसंद नू अपनी पसंद समझन, एक दूसरे की चाहत नू अपनी चाहत समझन, एक दूसरे की पसंद नू अपनी पसंद बना लैन। नबी सल्लम दी हदीस सही बुखारी किताब ईमान है, हदीस नंबर 13 पढ़ के देख लेना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब लियखी मा युहिब लिनफसी। कोई शख्स उतनी देर तक कामिल ईमान वाला नहीं बन सकता जितनी देर तक अपने दूसरे मुसलमान भैन भाई वास्ते ओ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद कर दे। ऐ मेरी बहन, उतनी देर तक ईमान दी खैर नहीं जितनी देर तक तू ओ पसंद ना करे जो अपने वास्ते पसंद कर दी, अपने खामद लई ओ पसंद ना करे। ऐ मेरे भाई, जितनी देर तक तू अपनी पसंद और अपनी बीवी दी पसंद दा इहतराम ना करे, जो तेनू पसंद है ओही अपनी बीवी वास्ते पसंद ना करे। ऐ मेरी बहन, जो तेनू पसंद है ओही तू अपने खामद वास्ते पसंद ना करे। जेड़े रिश्ते तेरा खामद पसंद करदा है उन्हां रिश्तियां नू तू पसंद ना करे, उन्हां रिश्तियां दा तू इहतराम ना करे। जेड़े रिश्तियां नू तेरी बीवी पसंद करदी है उन्हां रिश्तियां दा तू इहतराम ना करे, उन्हां रिश्तियां नू पसंद ना करे। कदे मिसाली घराना वजूद अंदर नहीं आएगा। चौथा उसूल, हकूके आमा दा ख्याल करन। मियां बीवी दे आपस अंदर जड़े हकूक व आदाब ने उन्हां दा ख्याल करन। और याद रखना, अखुवत इस्लामी ने मियां बीवी दे ताल्लुकात दे नाल अखुवत व मिसावात दे निज़ाम नू मजीद मजबूत किया है और अखुवत ईमानी नू इतना बढ़ा दिता है कि खावंद और बीवी इन्हां दे अंदर ऐसी अखुवत और भाईचारा पैदा हो चुका होंदा है, इतनी मुहब्बत इन्हां अंदर आ चुकी होंदी है, इतना एतिमाद और भरोसा अपने उत्ते करदे ने कि ये दो कालब ते एक जान बन जाया करते ने। इवें समझदे ने वजूद दो ने, जान दोवां दी इक्को ही है। जदों मियां बीवी इस तरह का सलूक रखणगे फिर घराना मिसाली बनेगा। और याद रखना, जेड़ा शख्स अपनी बीवी नू अपने जिसम का हिस्सा समझदा होवे वो अपने जिसम के हिस्से ते किवें बद एतमादी कर सकता है, और जेड़ी बीवी खामद नू अपने सर का ताज समझदी होवे वो अपने सिर दे ताज नाल किवें खयानत कर सकती है। असल मामला यह है, असल बिगाड़ यह है, ना खामद बीवी नू बीवी समझदा है, ना बीवी खामद नू खामद समझदी है, खामद बीवी नू पैर दी जुत्ती समझदा है। अल्लाह अकबर। और बीवी खामद की कोई अहमियत नहीं जानती। चाहते हो मिसाली कराना मार से वजूद अंदर आ जाए, आओ ए रहनुमा उसूल अपनी झोलियां अंदर लेके जाना और इन्हों पर अमल करना, इंशाल्लाह कराने आबाद हो जाएंगे, लोग थोड़े कराने दी मिसाल पेश किया करेंगे। यार घर तो वेख्या, फलानिया का वेख्या, यार मुहब्बत तो वेखी, उन्होंने दो मियाँ बीवी की वेखी, खानदान च गल्लां शुरू हो जाया कर दी। अल्लाह साढ़े भाइयों बहनों दी मुहब्बत ऐसिया बना दे। चौथा उसूल, मियाँ बीवी एक दूसरे के आम हकूक का ख्याल करन। कोई किसी के हक न तोड़न की कोशिश ना करे, किसी के हक के अंदर कमी करने की कोशिश ना करे, किसी के हक के अंदर किसी किस्म की कोई दो नंबरी और ख्यानत इरतकाब करने की कोशिश ना करे, फिर मिसाली घराना वजूद अंदर आएगा और ये ऐसी अच्छी और बेहतरीन मुआशरत बन जाएगी जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने कुरान सूरा निसा के अंदर दे दिता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम सूरा निसा आयत नंबर 34 के अंदर फरमाया है, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमान दे, अपनियां बीवियां नाल अच्छे तरीके नाल जिंदगी बसर करो, अपने घरां दे अंदर अच्छी जिंदगी गुजारो, दस्तूर दे मुताबिक अच्छाई मारूफ और नेकी दे मुताबिक जिंदगी बसर करो। अल्लाहु अकबर। मियाँ अपनी बीवी दे हकूक दा ख्याल करे, बीवी अपने मियाँ दे हकूक दा ख्याल करे, कोई किसे नाल अल्लाहु अकबर दो नंबरी और ख्यानत दा मुआमला ना करे। सब तो पहले मर्द दी बात सुन ले, ए मियाँ बीवी दा सांझा और मुश्तरका हक मैं बयान करन लगा। अल्लाहु अकबर। सही मुस्लिम किताबुल हज दी हदीस नंबर
2950 पढ़ के देख लेना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा दे मौके ते अपनी उम्मत नू बड़ियां पंदो नसाए फरमाइया। उन्हां दे विचों एक नसीहत ए भी फरमाई, फत्तकुल्लाह फिन्निसा। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मर्दो अपनियां बीवियां दे बारे अल्लाह कोलो डरदे रिहा जे। फइन्नमा अखज़्तुमूहुन्ना बिकलिमतिल्लाहि, तवज्जो करना जरा, फइन्नमा अखज़्तुमूहुन्ना बिकलिमतिल्लाहि वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना। अल्लाहु अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, फइन्नमा अखज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, बीवियां दे बारे रब कोलो डर के जिंदगी बसर करना, क्योंकि तुसी अल्लाह दी अमान दे नाल उन्हां नाल शादी कीती है। अल्लाह दी अमान दे नाल तुसी उन्हां नाल शादी रचाई है, और अल्लाह दे कलमे दे नाल तुसी उन्हां दे जिस्म नूं अपने उत्ते हलाल कीते। अल्लाहु अकबर। बीवियां नूं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई, बड़ी कीमती और प्यारी नसीहत फरमाई है, तवज्जो नाल समात फरमा लेना। अल्लाहु अकबर। सुन नबी दाऊद पढ़ के देखना, किताब उत्तलाक 2226 नंबर हदीस है, जामे तिर्मिज़ी किताब उत्तलाक है, हदीस नंबर 1186-87 है, और इब्ने माजा किताब उत्तलाक दी हदीस नंबर 2055 पढ़ के देख लेना। अन सौबाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह क़ाल, हज़रत सुबान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने बड़ी कीमती और प्यारी बात बयान फरमाई, एक खास औरतां नू हुक्म इरशाद फरमाया, अय्युमम रअतिन सअलत मिन ज़ौजी हत्तलाक मिन गैरी बासिन فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ। जिहड़ी औरत बगैर किसी वजह तो बगैर किसी शरी उजर दे अपने खामद कोलों तलाक का मुतालबा कर देंदी है, खामद दे मंदे चंगे दिन, गरीबी कारोबार चो नुकसान दे दिन देख के खामद दा दुख सुख दा ख्याल नहीं करदी, बल्कि तलाक दा मुतालबा कर देंदी है, मैनू तलाक दे के आज़ाद कर दे, मैं तेरी ज़ौजियत अंदर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर मेरी बहन किसी का ऐसा रवैया है, वो दिलो दिमाग अंदर नबी की हदीस नू नक्श कर लवे, मेरे नबी ने फरमाया, ऐसी औरत नू जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होएगी, ऐसी औरत नू जन्नत दी खुशबू भी नहीं आएगी, जन्नत दी खुशबू 500 साल दी मुसाफत तो आंदी होएगी, लेकिन खामद दी गुस्ताख नजायज़ खामद को तलाक मंगन वाली औरत नू जन्नत दी खुशबू नसीब नहीं होएगी। मियाँ बीवी दोवां नू इकट्ठा हुक्म मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तवज्जो करना। सही बुखारी किताबु निकाह है, हदीस नंबर 5188 है, सही बुखारी किताबुल जुमा दी हदीस नंबर 893 है, सही बुखारी किताबु निकाह दी हदीस नंबर 5200 पढ़ के देखना, सही बुखारी किताबुल अहकाम दी हदीस नंबर 7138 पढ़ के देखना, सही मुस्लिम किताबुल इमारा दी हदीस नंबर 4924 पढ़ के देख लेना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो करना जरा, नबी सल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही,
तुहाडे विचों हर बंदा जिम्मेदार है, उसे कोलों सी जिम्मेदारी बारे सवाल किया जाएगा। इमाम और हुक्मरान अपनी रियाया का जिम्मेदार है, उसे कोलों सी जिम्मेदारी बारे सवाल किया जाएगा। नौकर अपने मालिक दे माल का जिम्मेदार है, उसे कोलों सी जिम्मेदारी बारे सवाल किया जाएगा। ये पूछा जाएगा, दस नजरा अपने मालिक की दुकान चो किन्नी चीनी वेची सही, किन्ने क्यों दे टीन साइड ते कीते सही, किन्नी खयानत कीती सही, गले विचों किन्ने पैसे फड़े सही, किन्नियां ड्यूटियां सौं के गुजारियां सही, किन्नियां चोरियां बद्दियांतियां कीतियां, किन्नियां मिलावटां, किन्ने धोखे ते झूठ अपने मालिक नाल बोलदा रहा, अपने ऑफिसर नाल बोलदा रहा, किन्नियां ड्यूटी तो गैर हाजरियां करदा रहा। ये कायनात दा मालिक सवाल करेगा। अल्लाहु अकबर। तीसरी बात समाप्त फरमा लेना। अर्रजुलु रौइन फी अहलिही वहुव मसूलुन अर्रईयती। खावंद अपने घर दा जिम्मेदार है, अपनी बीवी दा जिम्मेदार है, उसे कोल उसी जिम्मेदारी बारे सवाल किया जाएगा। बीवी दियां जरूरियात पूरियां कीतियां सन के नहीं, बीवी दे हकूक दा ख्याल रख्या से कि नहीं। अल्लाहु अकबर। अगे सुनना जरा। वल मरातु रौइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व मसूलतुन अन रईयतिहा। बीवी अपने खावंद घर दी जिम्मेदार है, बीवी कोलों सी जिम्मेदारी बारे सवाल किया जाएगा। खावंद दे माल दी हिफाजत कीती सी के नहीं, खावंद दे बच्चों की तरबियत कीती सी के नहीं, खावंद नाल कोई खयानत दा इरतिकाब ते नहीं कीता, सवाल कीता जाएगा। मिसाली कराना, अगर तश्कील देना चाहते हो तो रहनुमा उसूलों के विचों चौथा उसूल अपना लवो। अल्लाहु अकबर। खावंद और बीवी अज जहन बनावन से एक दूसरे का एहतराम करांगे, एक दूसरे के हकूक का ख्याल करांगे, तो फिर ऐसा मिसाली घराना वजूद अंदर आएगा जिस दियां मिसालां लोग भी दिता करनगे। पांचवी बात, थक तो नहीं जगह है अक चलो माशाल्लाह। अजय वैसे भी मैनू कितना टाइम हो गया, घंटा हो गया ना? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह तुहाडी फरासत नू कबूल फरमाए, जज़ाकअल्लाह। पहलो मैं दस्या चार उसूल वो दसे ने जेड़े उसूल मियाँ और बीवी दोवां ने इकट्ठे अपनावने ने। अगर किसी ने भी किसी उसूल के अंदर कमी कुताई छोड़ी, मिसाली घराना कदे वजूद अंदर नहीं आ सकेगा। हुण मैं दो तीन उसूल जेड़े कल्ली बीवी नाल तालुक रखते हैं और दो तीन उसूल जेड़े कल्ले खामद नाल तालुक रखते हैं वो जिक्र करके अहबाब को इजाजत चाहांगा। सब तो पहले असी बात करने बीवी दी। बीवी दा सब तो पहला हक खामद जिम्मा जो है वो ये है कि खामद अपनी बीवी नाल अच्छे तरीके नाल जिंदगी बसर करे, उन्हों मार कुटाई ना करे, गाली गलोच ना करे, बुरा भला ना आखे, उसनू थप्पड़ ना मारे, घर दे विचों बाहर ना कढ़े, उन्दे खानदान दे लोगों नू गाली गलोच ना करे, बुरा भला ना आखे, और उसकी जरूरियात का ख्याल करे, उन्दे खाने पीने का ख्याल करे, उन्दे पहनने ओढ़ने का ख्याल करे, जुत्ती कपड़े का ख्याल करे। और बीवी दे अंदर अगर कोई शरी बिगाड़ उसनू नज़र आए उसनू वाजो नसीहत के जरिए समझाए, ना समझे तो बिस्तर जुदा कर लवे, ना समझे मामूली जी मार मारे चेहरे ते नहीं, ज़रबन गैरा मुबर्रिहिन। सही मुस्लिम किताबुल हज 2950 नंबर हदीस। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी मार जिंदे नाल जोड़ ना टुटे, जिंदे नाल औरत जख्मी ना होवे, जिंदे नाल औरत दा वजूद नीलो नील ना हो जाए, औरत दे चेहरे ते कट ना लगे, जिसम ते कट ना लगे। वैसे भी चेहरे ते मारन तो अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, तवज्जो फरमा लेना जरा, सूरह निसा पढ़ के देखना। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनियां बीवियां नाल अच्छे तरीके नाल दस्तूर दे मुताबिक अच्छाई वाली नेकी वाली जिंदगी बसर करो। अगे सुनना ऐ मेरे प्यारे भाई,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम सूरा निसा दे अंदर इरशाद फरमाया है, वल्लती तखाफूना नुशूज़हुन وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिहड़ियां औरतां दी नाफरमानी दा तुहानूं खतरा ते डर होवे, उन्हां औरतां नूं सब तो पहलों वाज़ो नसीहत दे ज़रिए समझाओ। फ़ाइदूहुन्ना, उन्हां नूं पहलों वाज़ो नसीहत करो, समझाओ। अगर ना समझन ए नुस्खा ना काम देवे, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, उन्हां तो अपना बिस्तर जुदा कर दियो, उन्हां तो अपना बिस्तर जुदा कर दियो। अगर इस डांट नाल भी उसनूं समझ ना आए, अकलमंद औरत वास्ते सब तो बड़ी सजा है कि उसका खामद उस तो बेरुखी करे, खामद उस तो अपना चेहरा फेर लवे, खामद उसके बिस्तर तो अपना बिस्तर जुदा कर लवे। अकलमंद औरत की सब तो बड़ी सजा ए सजा है। अगर ये नुस्खा भी कारगर ना हो, फरमाया वादुरीबूहुन, फिर उन्हें मारे। मारना किवें? इस आयत तजबा इस जुमले की तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुबारक हदीस विचों समझ लेना जरा। अल्लाहु अकबर। सही मुस्लिम किताबुल हज दी 2950 नंबर हदीस है। मेरे नबी सल्लम ने फरमाए, अगर औरत नु मारन दी जरूरत पवे तो कैसी मार मारनी है? ज़ुर्बन गैर मुबर्रिहिन, ऐसी मार मारनी है जिस दे नाल औरत दा जिसम जख्मी ना हो जाए, उसे जख्म चो जिसम चो खून ना निकल आए, हड्डियां नहीं तोड़ देनिया, वाल नहीं नोच लेने, उसनू मार मार के बुरे हाल नहीं कर देने। कैसा मारना है? हल्की जी मार, हल्की जी जरब लगानी जिंदे नाल औरत नूं जख्म ना लगे, औरत दे जिस्म ते डांटा ना पैन ते निशान ना पैन। अल्लाहु अकबर। सुन नबी दाऊद किताब उत्तला किताब उन्निका पढ़ के देखना, हदीस नंबर 2146 है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अपनी उम्मत नूं कैसा उसूल समझा गए, मिसाली घराने बनाने दा कैसा कीमती उसूल पेश फरमा गए। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु गए, आ जाके कहने लगे, सोने नबी जी तुसा इरशाद फरमाया कि अपनियां बीवियां नू मारिया ना करो। अल्लाह दे नबी जी, قَدْ زَئِرْنَا النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ, अल्लाह दे नबी तुसी मारन तो रोकिया, बीबियां खामदा नूं अखां कड्डन लग पईआं, बीबियां खामदा दे अगों औखियां होनियां शुरू हो गईआं, खामदां दे अगों बदतमीजी उत्ते उतर आईआं। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने आके ए वाक्या पेश फरमाया, हालात दे बारे बयान फरमाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियां नू मारन दी इजाज़त दे दी। अल्लाहु अकबर। इजाज़त मिली ते फिर खामदां वी खूब पटाइयां कीतियां, खूब कसरां कढ़ियां। अगे तो आने कढ़ेंगी, तेरी एडी जुरत, सानू अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोकया तो तुसा शेर हो गई, खूब उन्हें रीझ लाई अपनी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़वाज मुतहरात दे कोल, इब्ने माजा 1980 नंबर हदीस के मुताबिक 70 औरत आईया, और एक रवायत के मुताबिक 60 बीबियां उलामा लेके आईया, आके कहंदियां ने सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारन तो रोकया सी, उदों ही चंगा सी, साडे खामदा ने सानू मारिया है। यशकून अज़वाजहुन, अपने खामदा दी शिकायतां लगा के गईयां।
नबी सल्लम घर तशरीफ ले आए, अजवाज मुतहरात ने वाक्या पेश फरमाया, सोनियो औरतां आईया सन, खामदा दियां शिकायतां लगा रही सन, साढ़े खामदा सानू बड़ा मार रहा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिहाबा लकद अताफा बी आली मुहम्मदिन निसाउन कसीर यश्कूना ज़वाजहुन लैसा उलाइका खियार। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे को मेरे घर के अंदर बीबियाँ के शिकायत लाई है मेरिया बीविया कि साढ़े खानदान सानू बड़ा मार रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तवज्जो करना जरा, लैसा उलाइका बिखियारिकुम, मेरे सिहाबा जेड़े लोगों ने अपनी अपनिया बीविया मारा है वह चंगे लोग नहीं, ओ चंगे लोग नहीं, बीवी नू मारन वाला चंगा शख्स नहीं। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जड़ा बीवी नू मारदा है वो चंगा नहीं, बीवी नू मारदा वो चंगा नहीं। मैं तो तुसा सुन के जाके तुसा भी कोई पिछली अक्कर कढ़ छड़ो, ना ऐसा ना करना कतान। मेरे नबी ने फरमाया, जड़ा बीवी नू मारदा वो चंगा नहीं। तुसा चंगे बनना, बनोगे चंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सानू चंगे बनन दी तौफीक अता फरमाए। एक और हदीस भी सुन, नबी दाऊद किताब निकाह पढ़ के देखना, बड़ी कीमती हदीस, 2142 नंबर हदीस है। हजरत हकीम बिन मुआविया बयान फरमाते, अपने बाप दे कोलो रवायत फरमाते, उन्होंने बाप ने जाके आखिया, अन हकीम इबनी मुआविया अन अबीहि قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي احدنا علي। अल्लाह दे नबी जी, साडियां बीवियां दे साडे उत्ते की हक हकूक ने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंत तुतइमहा इजा तइमता, जिदो तू खावे अपनी बीवी नू भी खिला, व तक सुबहा इजकत सईता, जो तू कपड़े सिलवावे अपनी बीवी वास्ते भी कपड़े लिया। अगली बात समाप्त फरमा लेना, वला तदरी बिल वजहा, बीवी दे चेहरे उत्ते नहीं मारना, वला तुकब्बिह, बीवी नू गालियां भी नहीं देनिया, बीवी नू बुरा भला भी नहीं कहना, वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और बीवी नू तके मार के अपने घर दे विचों बाहर भी नहीं कढ़ना, जिवें साडा मुआशरा करदा है। बीवी दे जुत्ती कपड़े दा ख्याल करने, चेहरे ते नहीं मारना, अगर मारने दी जरूरत पेश आ जाए, जदों मारना मामूली जी एवें तफ्फी जी मारनी, ताकि तकलीफ भी ना हो ते तंबी भी हो जाए, उन्हें पता लग जाए अगर कोई ऐसी हरकत करांगे तो खामन नाराज हो जाएगा। ये उसूल ने, ये शरीयत ने मुकर्रर किए ने उसूल। गाली नहीं देनी बीवी नूं, उंदा खानदान पुनना, उंदी मां भैन नूं गाल नहीं कढ़नी, बुरा भला नहीं कहना, और बीवी नूं धक्के मार के घरों बाहर नहीं कढ़ना। साडे विच कई भी ऐसे भी हुंदे ने जिहड़े वालां तों फड़ के घसीट के बाहर कढ़ देंदे ने, बड़े बड़े समझदार जिहड़े नहीं पसंद करदे कि साड़ी बीवी का कोई चेहरा वेखे। हाँ जी, तो जो गुस्से नाल तपे होंदे ने, सिरों नंगी नूं वालां तो फड़ के घसीट के बूहों बाहर सट देंदे ने। बतलाओ, क्या कोई मौजूदा दा तौर ते मिसाली घराना बनाना चाहता है? अगर ऐसिया आदात असा ना छोड़िया, ऐसिया हरकत ना छोड़िया, बीवी नूं बीवी का मुकाम ना दिता, खामद नूं खामद का मुकाम ना दिता, और खानदान नूं खानदान का मुकाम ना दिता, औलाद नूं औलाद का मुकाम ना दिता, भैन भाइयों नूं भैन भाइयों का मुकाम ना दिता, मेरे प्यारे भाइयों मां बाप नूं मां बाप का मुकाम ना दिता, उतनी देर तक कोई घराना मिसाली नहीं बन सकता। कदे ना सोचना, बीवी दे जुत्ती कपड़े की जिम्मेदारी खावन की है, नानो नफका की जिम्मेदारी खावन की, खावन उत्ते कोई बोझ नहीं। जामे तिरमजी किताबुर रज़ा पढ़ के देख लेना,
हदीस नंबर 1163 और सुनन इब्ने माजा किताब निकाह दी हदीस नंबर 1851 पढ़ के देखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फहक्कुहुन अलैकुम अन तुहसिनू इलैहिन फी तआमिहिन व फी किस्वतिहिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुहाडियां बीवियां दे तुहाडे उत्ते ए हक ने कि तुसीं उहनां दे खान पीन दा इंतजाम करो। असां की कीता है, सारा निजाम ही बुढ़िया दे हथ विच दे दित्ता है। जुत्तियां कपड़े खरीदने की जिम्मेदारी बीवी दी। मेरी औरत बड़ी समझदार है, इस्लाम कहिंदा औरत दी अकल अद्धी है। खामन आंदा बड़ी समझदार बड़ी अकलमंद है। खामन की जिम्मेदारी औरत दी जुत्ती कपड़े खान पीन रहायश जरूरियात ये खामन ने खुद पूरियां करनिया ने। बीवी उत्ते कोई बोझ नहीं, ये बीवी की जिम्मेदारी भी नहीं। बीवी की जिम्मेदारी घर की चार दीवारी च रह के अपनी इज्जत की हिफाजत करे, खामद के माल की हिफाजत करे, खामद की औलाद की तरबीयत करे और खामद के घर में मिसाली कराना बनावन अंदर अपने खामद नाल पूरा पूरा तआमन करे। सिर्फ ये बीवी की जिम्मेदारी है, बाकी कमा के लेके आना और जरूरियात जिंदगी पूरा करना यह खामद की जिम्मेदारी है। अल्लाह सानू जिम्मेदारी समझने की तौफीक अता फरमाए। बीवी का अगला हक खामद के जिम्मा यह है कि खामद अपनी बीवी ना नफरत ना करे, बीवी ना नफरत ना करे। असी बसा औकात एवं ममूली ममूली गलों तो नाराज़ हो जाने, सालों से अज नमक क्यों बहुत है, नमक क्यों नहीं हो पाया, मेरे कपड़े जल्दी इसरी नहीं हो किते, और रोटी के कंडे क्यों मोटे ने, एवें दियाँ मेरी जुत्ती पालश नहीं हो की। ममूली ममूली बातों तो सानू ये भुल जाता है कि साढ़े बच्चों की निगहदाश्त और उन्होंने स्कूलों की तैयारी करवावन अंदर और उन्होंने नाश्ते के इंतजाम के अंदर वह बेचारी सुबह फजर की लगी है, 8-9 का टाइम हो चुका है, उन्होंने खुद को नाश्ता करने की फुर्सत नहीं मिली। जे तेरे कपड़े इसरी होने तो लेट हो गए, कि क्यामत आ गई है। सबर का मुजाहरा करो, बर्दाश्त का मादा पैदा करो। बीवियां बीवियां समझो, इन्हों मझा गावान ना समझो, इन्हों नौकरानिया ना समझो, ये तुहाड़ियां बीवियां ने। जे तुसी इन्हां दे सिर दा ताज हो ते बीवियां तुहाडे माथे दा झूमर ने, तुहाडे हत्थां दीआं घड़ियां ने और तुहाडे दिलां दे जनाब अल्लाह अकबर ऐसे हीरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुहानूं दित्ते ने जिन्हां तों बगैर तुहाडी जिंदगी कदे भी पूरी नहीं हो सकती। पुछो बीवियां दी कदर जिन्हां दीआं टुर गईआं ने, और पुछो उन्हां कुवारिआं नूं जिन्हां दे कोल आईआं ही नहीं दीआं। इन्हां बेचारियां दी कदर और इज्जत करिआ करो, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इन्हां नाल नफरत दा मामला नहीं करना। सही मुस्लिम पढ़ के देखना, किताब रज़ा हदीस नंबर 3644 है। अपने दिलो दिमाग उत्ते नक्श कर दे जाना बड़ी कीमती बात है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी हदीस समाद फरमा लेना, ला यफरक मुमिनुम मुमिनतन इला युबगिज़हा इन करिह मिन्हा खुलुकन रज़िया मिन्हा आखर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कोई मोमिन, सही मुस्लिम किताब उर्रज़ा दी 3645, कोई मोमिन किसे मोमिना औरत नाल अपनी बीवी नाल नफरत ना करे। अगर बीवी दी कदा पसंद नहीं तो किसे दूसरी नाल राजी हो जाएगा। अगर बीवी नू खाना अच्छा नहीं बनाना आंदा तो कपड़े बड़े अच्छे धोंदी होएगी, प्रेस बड़े अच्छे करदी होएगी, जे सालन चंगा नहीं पका सकती तो चावल बड़े अच्छे पका सकती होएगी। उनकी अच्छी तरबीयत खाने पकावन नालों ज़्यादा जरूरी है कि औरत अपने दीन और अपनी रूह की इसलाह करे, अपनी रूह की इसलाह करे। रूह मर जाए इंसान बिल्कुल मुर्दा बन जाए, जिवें साडियां रूहां मर चुकियां ने, असी टुरदियां फिरदियां लाशां, ना कुरान असर करे ना हदीस असर करे। अल्लाह अकबर, साडे दिलों उत्ते कोई चीज़ भी असरअंदाज नहीं हो रही। उसका मतलब यह है साडियां रूहां मर चुकियां, असी जिस्मानी गजा वास्ते सुबह तो लेके शाम तक हलकान हो गए दुनिया दुनिया कर दे। असी अपनी रूह की गजा वास्ते कोई मेहनत ना की। कुरान रूह की गजा है, जिक्र अजगार रूह की गजा है, नमाज रूह की गजा है, सारे का सारा दीन रूह की गजा है। रूह न गजा देन तो असी अल्लाह अकबर बाज रह गए। असी रूह न गजा मुहैया करना
छोड़ दी सिर्फ जिस्मानी गजा पूरी करने वास्ते। दिन रात मेहनत मेहनत करते रहे, उनका नतीजा की निकलिया, रूह मुर्दा हो गई। जो दे मोबाइल हाथ में आए ने कुरान की तिलावत असी महरूम हो गए, होया कि नहीं हो, जिक्र अजकार तो महरूम हो गए, नमाजा के खुशू खुजू तो महरूम हो गए, अल्लाह की कसम वाले दैन के अदबो एहतराम तो महरूम हो गए। माँ कोल बैठी है, वह आपका हाल दुखड़ा आदि बीमारी के लादा से पुत्र रिहा करते पे ने, वो फेसबुक चला रहे हैं, वो मैसेज रहा है, उन्होंने रिप्लाई दे रहे हैं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा, बा मुखातिब कर रहा है, बेटा बात सुनना, बेटे हो रही जनाब मोबाइल से मसरूफ ने, हाए हाए काफिर जित गए असी हार गए, उन्हें सानू सकाफत की ऐसी मार मारी है कि असी उन्होंने सकाफत की जंग अंदर सकाफत के मैदान अंदर असी वो जंग हार चुके हाँ। अज असी किस मुँह ना जाके रोडा ते बलाग करके रोडे एहतजाज करके नबी दी नमूस का दिफा करांगे, क्यों साड़ी मुहब्बत भी झूठी, साड़ा किरदार भी झूठा, साढ़े कॉल भी झूठे, साढ़े फेल भी झूठे, असी सिर दे वालों तो लैके पैर दे नवां तक नबी मुकरम सलम की दिन रात मुखालफत अंदर जिंदगी बसर करते। तो जो कोई गुस्साखी करता है, असा खुद खाने काबे बना के सड़कों रख दिते, खुद रोज़ा रसूल दी तस्बीहां बना के नालियां त रख दित्तियां, खुद नामे मुबारक केकां त रख के कट के कई टुकड़ियां दे अंदर तकसीम कर दिता। अज कोई गैर बात करे सानू बड़ा दर्द जागदा है, हाय चेहरा नबी दी सुन्नत महरूम है, लिबास नबी दी सुन्नत महरूम है, कारोबार नबी दी सुन्नत महरूम है, सिर दे वालों तो लैके पैरों के नवा तक मुसलमान नज़र ही नहीं आ रहा, नबी दी नबूवत दी और नबी दी सुन्नत दी मोहर दी छाप इस दे उत्ते नज़र ही नहीं आ रही। बतलाओ किस मुँह नाल जाके इहतजाज करेगा, एक काफिर हसदा सानू वेख के, और शक्ल साड़ी, निज़ाम साड़ा, कानून साड़ा, तालीम साड़ी, तिजारत साड़ी, मईशत साड़ी, बैंकारी भी साड़ी, सब कुछ साड़ा है, इन्हों का दिल साड़ी मुट्ठी अंदर बंद है। वेखो अपने नबी का एहतजाज करने वास्ते आए, चेहरे साढ़े जैसे, किरदार साढ़े जैसे, निज़ाम साड़ा पसंद है, मुल्क साढ़े पसंद करते हैं, साढ़े मुल्क अंदर पढ़ना और कारोबार करना पसंद करते हैं, देखो आए ने अपने नबी की नमूस का दिफा करने वास्ते। जे कुछ करना चाहते हो नबी सलम वास्ते तो फिर सिर दे वालों तो लैके पैर दे नवा तक मुहम्मदी बन के दिखा दियो। अल्लाह की कसम तुसी मुहम्मदी नज़र आ गए, काफरां नू ऐसा मुँह जोर तमाचा रसीद होएगा, ऐसा जवाब मिलेगा, उन्होंने मुँह दिखानी पेगी, उन्होंने हज़ारां साल की मेहनत उत्ते पानी फिर जाएगा। बसूरत दीगर असी कुछ भी करन जोगे नहीं, अल्लाह सानू समझ अता फरमाए। मियाँ बीवी एक दूसरे नाल नफरत ना करनगे, मुहब्बत करनगे, फिर मुआशरा मिसाली कराना तश्कील पाएगा, और खावा जो बीवी की इस्लामी तरबीयत का ख्याल करेगा उदो मेरे मोहतरम भाईओ बीवी फिर नेक बीवी मिसाली कराना उसनू तश्कील देवेगी, वो ऐसी जमा तफरीक घर के बैठ के करेगी, बच्चों की अच्छी तरबीयत करेगी, बच्चों औलाद नू इस्लामी रंग अंदर रंगेगी, खावन की खिदमत गुजार होगी, खावन की अदब करने वाली होएगी, इंशाल्लाह मिसाली कराना वजूद अंदर आएगा। नबी सल्लम ने फरमाया है, सही बुखारी पढ़ के देखो, किताब बदिल खलक है 3235 नंबर हदीस, और सही मुस्लिम किताबुल इमारा 4924 नंबर हदीस, जामे तिर्मिजी किताबुल रज़ा 1163 नंबर हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला वस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ए लोगो अपनियां बीवियां दे बारे अच्छी वसीयत नू कबूल करो। सही बुखारी किताब उन्निका दी हदीस नंबर 5186 दे अल्फाज उत्ते भी गौर कर लेना, फइन्नमा हुन्ना अवानिन नसीरातुन इंदकुम, ए औरतां तुहाडे कोल कैदी ने, ए अपना सब कुछ छोड़ के तुहाडी मुहब्बत उत्ते कुर्बान करके तुहाडे घर दी जीनत बन गईयां, इन्हां दे बारे अच्छी वसीयत नू कबूल करो। अल्लाहु अकबर, औरतां दे बारे सब तो बड़ी अच्छाई और सब तो बड़ी अच्छी वसीयत ये है कि अपनी बीवी दी अच्छी तरबीयत की जाए। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप नू और अपने बीवी बच्चियां नू अपने अहलो अयाल नू जहन्नम दी अग तो बचा लवो।
बीवी भी अहलो याल अंदर दाखिल है, अहल दे अंदर दाखिल है। लिहाजा बीवी दी अच्छी तालीम और तरबियत करके उसनू जहन्नम दी अग तो बचान दा इंतजाम करना बड़ा जरूरी है। उसके अमाल दी सलाह करनी बड़ी जरूरी है जिहड़ी सिर्फ और सिर्फ दीनी इलम दे नाल मुमकिन है। दीनी इलम जो आ जाएगा वह दीन दी आलमा फाजला दीनी मसायल समझने वाली बन जाएगी। फिर वह अपनी रूह की भी सलाह करेगी, अपने अमाल की सलाह करके अम्मी ऐशा दा साथ जन्नत अंदर पाएगी, मिसाली घराना बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगली बात समाप्त फरमा लेना, बीवी दा खामद उते ए भी आगे के खामद अपनी बीवी उते तमाम इस्लामी आदाब दी पाबंदी करवाए, अपनी बीवी उते सख्ती करे कि वह दीनी अमाल दे अंदर दीनी आदाब दे अंदर इस्लामी तालीमात उते सख्ती नाल अमल करे, गैर महरमा दे इख्तलात तो बचे। अल्लाहु अकबर। कली सफ़र करन तो बचे, गुनाह दे कम्मां तो बचे, आवाज़ उच्ची करन तो बचे, अपने आप अपनों बेपरदा रखन तो बचे। खामद उस वास्ते ऐसा माहौल पैदा करे, हर तरह के छोटे बड़े गुनाह तो बच के जिंदगी बसर करे। खामद अपनी बीवी नू गुनाह और फिस्को फजूर वास्ते अल्लाह उसके रसूल नाल बगावत करन वास्ते उनके वास्ते खुला मैदान ना छड़े, बल्कि इस मामले अंदर अपनी बीवी उत्ते सख्ती करे ताकि अपनी बीवी नू जहन्नम दी अग तो बचा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा अंदर फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, ए मर्द अपनी बीवियां दे निगरान और जिम्मेदार ने, बीवियां उते हाकिम ने, बीवियां उत्ते हाकिम निगरान और जिम्मेदार ने। अल्लाह ने इस जिम्मेदारी बारे सवाल करने, अल्लाहु अकबर। बीवी का अगला हक यह है, घराना मिसाली बनाना चाहते हो तो कोई खामद अपनी बीवी दे ऐब अपने रिश्तेदार अगे बयान ना करे। अम्मी की ला दिता ही मैनू, आ भी कर दी है, ऐवी कर दी, आ भी खामी, आ भी खामी, बाजी तू ही वेखन वास्ते गई सै। इस तरह दी बातां ना करे। अगर बीवी अंदर कोई कमी कुताही नजर आती है, उस अल्लाह वाली नूं बैठ के समझाए, मुहब्बत नाल समझाए, किसे दे सामने उसकी हथके इज्जत ना करे। अपनी सगी मां नूं, बाप नूं, भैणां भाईआं नूं, हत्ता के उंदे अजीजो अकारब तक भी ये चीज़ां पहुँचावन की कोशिश ना करे जिंदे विच उंदी बीवी की इंसल्ट हुंदी होवे। सही मुस्लिम किताब उन निका हदीस 3542 है, हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमांदे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अशरिन नास मंज़िलतन इंदल्लाह यौमल क़ियामति रजुला युफ़ज़ी इला इम्रातिही व तुफ़ज़ी इलैही सुम्मा यंशुरु सिर्रहा। अल्लाह दे हाँ रुतबे दे इतबार नाल, मुकाम दे इतबार नाल सब तो गंदा निकम्मा ते बुरा इंसान होएगा, सब तो बदतरीन इंसान वह होएगा जिहड़ा अपनी बीवी नाल तनहाई अंदर बैठ दे, अपनी बीवी दियां राज दियां बातां अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाबां दे अंदर दोस्त अहबाब अंदर उन्हां नूं पेश कर देंदे, उन्होंने नशर कर देंदे, बीवी दियां खामियां और अयूब लोगों के सामने बयान कर देंदे, बीवी दियां राजियां गल्लां बयान कर देंदे, ये बंदा सब तो बदतरीन होएगा। आखिरी बात नोट कर लेना, ये बीवी दे खामन दे जिम्मा हकूक सी, उन खामन दे बीवी दे जिम्मा की हकूक ने। पहला हक, अल्लाह रसूल की नाफरमानी तो इलावा बीवी अपने खामन की हर बात मनेगी। खामन अल्लाह रसूल की नाफरमानी का हुक्म देवे, तू परदा नहीं करना बीवियों की गल ना मने, तू नमाज ना पढ़िया कर बीवियों की गल ना मने, तू मेरे दोस्तों के सामने बनाओ सिंगार करके उन्होंने चाय पेश करनी है, क्योंकि अल्लाह रसूल ने मना किया है गैर महरमा के सामने बेपरदा जान तो, बीवी इनकार कर देवे, खामद शिरक का हुक्म देवे, बिदअत का हुक्म देवे, बीवी कतई ना अपने खामद की बात ना मने। अल्लाह रसूल की नाफरमानी तो इलावा बीवी अपने खामद की हर बात मनेगी। फाइन अतअनकुम फला तबगू अलैहिन्न सबीला, अल्लाह फरमाते ने जो तुहाडे आखे लगन लग पैन फिर मार कुटाई दे बहाने ना लभ दे रहा करो। हर बात मनेगी। खामद अपनी बीवी नूं आवाज़ देंदा, सही बुखारी किताब निकाह हदीस 5194, सही मुस्लिम किताब निकाह हदीस नंबर 3538 39 40 41। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
इज़ा दअ अर्रजुलु इम्रातहु इला फिराशिहि फलम ताअतिहि फबात गज़बान अलैहा लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा। खामद अपनी बीवी नूं अपने बिस्तर ते बुलांदा अपनी हाजत वास्ते, बीवी आन तो इनकार कर देंदी है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया सुबह तक अल्लाह दे फरिश्ते उस बीबी उते लानत भेजते रहिंदे ने। और सही मुस्लिम किताबुन निकाह दी 3540 नंबर हदीस अल्फाज तवज्जो फरमा लेना जरा, हत्ता यरदा अनहा, जिन्नी देर तक अपने खामद नू राजी ना कर लवे। अल्लाह अकबर, सही कई साड़ियां पैना नू कई कई साल हो गए खामदा नाल कलाम कीती नू, जिन्नी देर तक खामद राजी नहीं होएगा उतनी देर तक अल्लाह दे फरिश्ते लान भेजते रहेंगे। और 3539 नंबर हदीस अल्फाज उत्ते गौर करना जरा, हत्ता तरुजिया, कई साड़ियां पैना रुस के पेक्यां ते चलियां जांदियां, कई कई महीने कई कई साल खामन दे घर वापस नहीं आंदियां। जिनी देर तक खामन दे घर वापस नहीं आ जांदियां उन्नी देर तक अल्लाह दे फरिश्ते ना उत्ते लानत ही भेजते रहेंगे। ये मिठी गोली नहीं जड़ी जल्दी नाल हजम हो जाएगी। घराना मिसाली बनाना चाहते हो तो फिर बीबिया नू खामदान की जरूरियात का ख्याल रखना पेगा। मेरे नबी ने इतों तक तंबी फरमाई, जामे तिर्मिज़ी किताबुन रज़ा 1160 हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि औरत इज़र रजुलु दा ज़ौजतहु लिहाजतिही फलताती इनकानत अला तन्नूर, औरत तंदूर ते रोटियां पकांदी भी रोटियां ओवन ते खड़ी है, चूल्हे ते बैठी, चूल्हे ते खड़ी सालन पका रही है, रोटियां पका रही है, तंदूर ते खड़ी, खामद अपनी जरूरत वास्ते आवाज़ मारदा, अल्लाह वाली मेरी गल सुन। उस औरत नूं अल्लाह दे नबी ने फरमाया उन्हूं चाहिए रोटियां सड़दियां ने सड़ जान, सालन जलदा है जल जाए, दुध उबलदा है उबल जाए, सब कुछ तबाह हुंदा है हो जाए, अपने सिर दे ताज की गल पहले सुन के आए। वह इनकान अल तन्नूर, औरतों ने खामद नूं समझ की रखे। इब्ने माजा किताब निकाह 1850 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जेड़ी औरत अपने खामद का हक अदा नहीं करती आपके रब का भी हक अदा नहीं कर सकती। खामद बीवी नूं सफर दे विच आवाज़ मारे अपनी जरूरत वास्ते, मेरे नबी ने फरमाया है वही आला कत बिन लम तम ना हो, औरत दुरान सफर सवारी के उत्ते अपने खामद नाल बैठ के जा रही है, खामद उसनू अपनी जरूरत वास्ते आवाज़ दिंदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऊंट के पलान उत्ते भी सफर कर दी पी फिर भी खामद नूं मना, खामद नूं ना रोके। खामद इतना कीमती सरमाया, अबू दाऊद किताबु तलाक है, अगर मेरी कोई बहन सुनती पई है अपने खामद की अहमियत, अपने सिर दे ताज, अपने सिर दे दुपट्टे की अहमियत नूं अज सिख के जा। सुनन इब्ने माजा है किताब निकाह 2140 नंबर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लौ कुंतु आमिरन अहदन अन यस्जुद ली अहदिन लामरतुल मरात अन तस्जुद ली ज़ौजिहा, अगर अल्लाह तो इलावा किसी सजदा करना जायज़ हुंदा मैं औरत नूं हुक्म देंदा आपदे खामद नूं सजदा करया कर, अपने खामद नूं सजदा करया कर। मेरी बहन तेरा खामद इतना कीमती सरमाया और दौलत है, मजमा उज़वाइद किताब निकाह हदीस नंबर 3637। हुसैन बिन मेसन फरमाते हैं मेरी फूफी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाई, आपने पूछा ए बीबी आजादी जौजी नंती शादीशुदा है, वो बीबी कहने लगी जी अल्लाह के नबी जी मैं शादीशुदा। आपने फरमाया खामद ना तेरा रवैया कैसा है, वो बीबी कहने लगी अल्लाह के नबी जी जो मैं थक हार जावा थकावट का एहसास हो तो मैं कोई खिदमत गुजारी नहीं करती, बाकी मैं उनकी खिदमत गुजारी करती रहनी। आपने फरमाया कैफा अंती लहू फइन्नहू जन्नतुकी व नारुकी, खामद बुलाए तू अपनी थकावटा नू बुनियाद नहीं बनाएगी, याद रख ए औरत तेरा खामद तेरी जन्नत भी है तेरी जहन्नम भी है। उदो तू अपने सिर दियां दर्दां नहीं वेखनियां, बुखार नहीं देखने, बीमारियां नहीं देखनियां, खामद की बात सुननी। तो साढ़े मुआशरे की हो रहा है, कई करम वाली बीबियां ऐसिया ने खामद घर आते हैं, खैर उन्होंने हमेशा तो ही आदत एक सिर ते पट्टी दिसदी उन्होंने, इवें हो रहा कि नहीं हो रहा। मरियल जी आवाज़ की होया जी, वो थक्या हारा बेचारा मेहनत मजदूरी कर की होया जी, बस तबीयत कोई सही नहीं, दवाई लै आई मैं लिया दवाई
रोज़ का यो ही मामूल साड़िया बीबिया का बन गया। अल्लाह को डर जाओ, ये मामूली चीज़ है। खामत तेरे सिर का ताज है, इंदा कोई मुकाम और वकार है। मिसाली घराना बनावन अंदर खामन उस घराने की सब तो बड़ी और मेन चाबी का नाम है। इतना कीमती सरमाया तेरा खामन तेरे वास्ते। मजमा उस वायद किताब निकाह है, हदीस 7639-40। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी आया कि कहने लगा, अल्लाह के नबी जी मेरी बेटी नु समझाओ, ने शादी करने तो इनकार कर दिता है। आपने फरमाया, है बीबी अतीई अबा की। आधे अबू दे आखे लग। वो कहने लगी, सोने नबी जी जिनी देर तक मैं ये ना दसोगे कि बीवी उत्ते खामन दे हक हकूक की ने, उन्नी देर तक शादी नहीं करांगी। मैं सुना तो सही, पता नहीं मैं वो हकूक पूरे भी कर सकनी हाँ कि नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीबी तेरे खावन दे नक दे विचों पीप वगदी होवे, कचलऊ वगदा होवे, जख्मां चो रेशा वगदा होवे, तू उंदे उत्ते जुबान रख के कुट कुट करके उन्हूं निगल जाए, चट लवें पी लवें, फिर भी मा अदत हक्कहू, ए बीबी तू फिर भी अपने खावन दा हक अदा नहीं कर सकी। ऐसा कीमती खावन, पुछ के देखो ना बहनां नूं जिन्हां दे खावन टुर गए, उन्हां दी दुनिया वीरान हो गई। अल्लाह की कसम, उन्होंने चौधराहटा जंग लग गया, उन्होंने आकड़ा कुन लग गया, उन्होंने तकबर न उठने वाले सर हमेशा वासे चुक गए, उन्होंने मान मिट्टी अंदर मिल गए, जिन्होंने सिर के दुपट्टे और सिर के ताज दुनिया तो टुर गए। मेरी भैन मिसाली घराना बनाना चाहनी है, इस अजीम शख्सियत की कदर कर लै। अल्लाह दहाय की बड़ी कदर ही, ये तेरी जन्नत ही। मजमा उज़वाज किताब निकाह दी 7634 है। मैं आखिरी बातों की तरफ आ रहा, तवज्जो करो। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लत अल-मरातु खमसहा, जो कोई बीबी पांच नमाज़ा पढ़े, किनिया पांच, वसामत शहरहा रमज़ान दे रोज़े रखे, व हाफिज़त फ़रजहा अपने जिस्म की हिफाजत करे, व अताअत ज़ौजहा और अपने खावन दे आखे लगे, खावन की फरमा बरदारी करे, फ़कील लहा फल तदखुल उदखुली मिन अय्यी अबवाबिल जन्नति शीती। क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेक बीबी नूं जिन्हें चार काम किए होंगे, अल्लाह फरमाएगा, मेरी बंदी जन्नत दे अठ दरवाजे तेरे सामने ने, जिंदे थानी जी करदा ही मेरी जन्नत अंदर चली जा। यही तेरा खामद जिन्हों अज तू मिट्टी च रोल देनी है, जिंद नाल नफरत दे तू मुख्तलिफ किस्म के बहाने बना लेनी है, जिन्हों तू कई कई साल तक बुलाना पसंद नहीं करती है, जिंदी इज्जत करना तू आपदे वास्ते कमी और नुकसान समझनी है, आपकी इहानत समझनी है। अल्लाह की कसम, ये तेरे खामद की वजह तो दुनिया के अंदर तेरी कदर है। तेरे खामद पारों तेरे मापे तेनू जानते हैं, तेरे खामद पारों भरा तेनू सलूट मारते हैं, तेरे खामद पारों तेरे देवर तेरे अगों चुक चुक के सलाम करते हैं, तेरे खामद पारों मुआशरा जड़ा है तेरे वाले मैली नज़र ना नहीं वेखता। जो ये सिर तो ताज उठ जाए, तेरिया इज्जत भी गई, तेरिया कदर भी खो गई, तेरी कदरों मंजिलत को घिन लग जाया करती है। अज वक्त है इसकी कदर करके मिसाली घराना बनाने अंदर अपने खामद का साथ दे, अपने खावन का साथ दे। और खावन का बीवी उत्ते भी हक है कि बीवी अपनी आवाज़ पस्त रखे, बगैर पर्दे दे घरों बाहर ना जाए, खावन की इजाज़त तो बगैर घरों बाहर ना जाए। तो बाद साड़ियां बीबियां नूं आदत है कि जिन्नी देर तक महल्ले के दो चार घरां दे विचों जाके कोई नवीं ताज़ियां खबरां ना सुन लैन, उन्नी देर तक उन्होंने सुकून तो चैन नहीं आता। इधरों खावन धुरी जड़े ने उन्हें स्कूटर नूं किक मारी तो कम ते तो बीवी साहबां ने दुपट्टा सिर ते लिया, तो चुंझ माड़ी जी कजी दी चल, कदे उस सहेली कार, कदे उस कार, कदे उस कार, नवीं खबरां कट्ठियां करते। खावन दा हक है, खावन दी इजाजत तो बगैर कोई औरत घरों कदम बाहर नहीं रख सकती। वकरना फी बयूतिकुन, अपने घर में टिकी रहे, अपनी आवाज़ अंदर नरम लहजा नहीं पैदा कर सकती गैर खावन नाल। और कोई भी गुनाह का कम ना करे, हर नेकी दे काम दे अंदर खावन दा हाथ बिटाए, खावन दी हौसला मंदी, खामद ने हौसले वड्डे करे, खामद की इज्जत लोगों के सामने बनाए। खामद के कोलों किसी वक्त लून मर्चा नाल भी खानी पै जाए तो आखे अज तो बटेरे खा के सुती सा, अज तो चरगे खाधे ने, वो करम वाला जो घर आ जाता कोई ना कोई ले आता, भावें पानी के घुटा ही सुके टुकर ही लंघाए हो। मतलब अगर कुछ चाह नहीं है
ते खावन की इज्जत का ख्याल करया कर, अपनी आवाज़ नू नरम कर लै, परदे की पाबंद बन जा, खावन की खिदमत गुजार बन जा, खावन की इज्जत का ख्याल रखने वाली बन जा। अल्लाह अकबर। आखिरी हदीस और मेरा सलाम है, मेरे नबी सल्लम ने ऐसी औरत नू ही तो दुनिया की बेहतरीन औरत करार दिता है। मुस्लिम दाबी दाबूद अत्तियालसी हदीस 2444 सुनन निसाई किताब इशरा तिन निसा हदीस 3942 पढ़ के देखना जरा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन निसाई किताब उन्निकाह हदीस 3233 अल्लाह के नबी सल्लम ने इरशाद फरमाया है, खैरुन निसा अल्लाती, बेहतरीन औरत वो औरत है, वो औरत अल्लाती तसुरु का इजा नजरता इलैहा, जो तुंदे वाले वेखे तेन राजी कर देवे, तेनू की कर देवे, खुश कर देवे। वाइजा मरता अताअत का, जदों तू उन्हूं हुक्म देवे ते तेरी फरमा बरदारी करे। और अगे फरमाया, फाइन गिबता अनहा, अगर तू घरों बाहर चला जावे ते आपदे वजूद की भी हिफाजत करे ते माल की भी हिफाजत करे, वजूद की भी हिफाजत करे तां माल की भी हिफाजत करे। ऐसी औरत सब तो बेहतरीन औरत है। अगर किसी खामद दियाँ एक तो जायद बीवियां ने, उन्होंने चाहिए कि बीवियों के दरमियान इंसाफ तो कम लवे, वगना कल क्यामत वाले दिन फालज ज़्यादा जिसम लैके आएगा, फालज ज़्यादा जिसम। सुनो निसाई किताब इशरा तिन निसा 3942 हदीस, मिसाली मुआशरा, अगर तशकील देना चाहते हो एक तो जायद जिन्हें शादियां ने अपनी बीवियों बराबरी करे, खाण पीन अंदर, रात गुजारन अंदर, बारी के अंदर, उन्होंने जरूरियात का ख्याल रखने अंदर बराबरी करे। अगर बराबरी ना की फजा यौम अल कियामति अहद शिक्कैही माइलुन, क्यामत वाले दिन इस हाल अंदर आएगा, एक पासा मरिया होगा, एक पासे फालज पिया होगा। तो भाइयो, खुलासा बहस से निकलिया, मिसाली घराना बनावन के अंदर मियाँ बीवी का कलीदी किरदार है। और समझ लो, मिसाली घराने की बुनियाद असी उदों रखने जो असी अपने बेटी बेटे की शादी करने, उदों घराने की बुनियाद रखी जाती है। और फिर मिसाली किवें बनता है, अगर इन उसूलों अपनाया जाए, जो उसूल मैं अहबाब के सामने पेश किए ने, घराना जो मिसाली बन जाए तो फिर खानदान मिसाली खानदान वजूद अंदर आता है। जो खानदान मिसाली वजूद अंदर, मिसाली खानदान वजूद अंदर आए, फिर मिसाली मुआशरा बनता है। जो मिसाली मुआशरा बन जाए फिर शहर ते मुल्क भी मिसाली बन जाया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सुनया सुनाया इस उत्ते अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।